गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो क्लास, दिस इज योर हिंदी पीरियड. नाउ टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज बुक कनक. नाउ ओपन योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 30. सो क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन आर ग्रामर सेक्शन. ओके, आज हम कनक व्याकरण में एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. उस पार्ट का नाम क्या है? सर्वनाम. ऑल राइट. आर्यन चित्र बना रहा है, उसकी इसमें बहुत रुचि है. वह अपने साथ रंग, ब्रश, पेपर आदि लाया. शिक्षिका उसे चित्र बनाना सिखा रही हैं. यहाँ उसकी, वह, उसे शब्द क्या है? आर्यन के लिए आए हैं. आर्यन चित्र बना रहा है, तो उसकी मतलब कि किसकी रुचि है? आर्यन की रुचि है. वह मतलब कौन? आर्यन. और उसे चित्र बनाना सिखा रही है मतलब किसे? आर्यन को. तो यहाँ पर उसकी, वह, उसे, ये सब शब्द किसके लिए आए हैं? आर्यन के लिए आए हैं. ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. तो इसमें आर्यन क्या है? आर्यन संज्ञा है, क्योंकि आर्यन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है. तो आर्यन की जगह यहाँ पे ये सभी शब्द आए हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे. अब हम एक बार परिभाषा पढ़ेंगे सर्वनाम की. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. अगर आपको संज्ञा पता है कि संज्ञा क्या होता है, तो सर्वनाम आप बहुत इजीली कर सकते हैं. ओके, जो भी शब्द संज्ञा की जगह पर हम यूज करते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. ओके क्लास, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31. सर्वनाम शब्दों के रूप एकवचन और बहुवचन में होते हैं. सर्वनाम शब्दों के रूप क्या होते हैं? कुछ एकवचन में और बहुवचन में होते हैं. जैसे कि मैं एकवचन है और हम क्या है? बहुवचन हो गया. अगर मैं बोलूं मैंने तो क्या हो गया? एकवचन. और अगर मैं बोलूं हमने, ये सभी लेकिन सर्वनाम है. ओके, लेकिन ये एकवचन है, मैंने और हमने बहुवचन है. मुझे एकवचन और हमें बहुवचन. मुझसे एकवचन, हमसे बहुवचन. मेरा, मेरी और मेरे क्या है? एकवचन. हमारा, हमारी और हमारे है बहुवचन. तू, तू क्या है? एकवचन. और तुम या आप अगर हम बोलेंगे तो बहुवचन. तुझे एकवचन और तुमको या आपको बहुवचन. तुमसे एकवचन, तुमसे या आपसे बहुवचन. तेरा, तेरी, तेरे एकवचन. तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, या आपका, आपकी या आपके, ये क्या है? बहुवचन होगा. अब कुछ और भी होते हैं, जैसे कि वह एकवचन है और सर्वनाम भी है, और वे क्या है? बहुवचन. उसने एकवचन और उन्होंने बहुवचन. उसका एकवचन, उनका बहुवचन. उसकी एकवचन, उनकी बहुवचन. किसने एकवचन, किन्होंने बहुवचन. किसको एकवचन, किनको बहुवचन. किसे एकवचन, किन्हें बहुवचन. किसका, किसकी या किसके एकवचन. किनका, किनकी या किनके, ये क्या है? बहुवचन है. राइट. अभी हमने सर्वनाम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम. ओके, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक,
तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो क्लास, आज हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, और सर्वनाम एकवचन में होते हैं और बहुवचन भी होते हैं उनके, ये पढ़ा, और सर्वनाम के भेद पढ़े। नाउ टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक। And open your notebook. Now put today's date. What is the date today? Today is 30th of September 2020. Then write down classwork. Now write down the name of the chapter, part Sarvanam. Part ka naam kya hai? Sarvanam. Use your sketch pens for heading. Now write down परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या होता है क्लास? डेफिनेशन। अब हम परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह उसने उन्होंने मुझे तुम उसका उसकी तेरा तुम्हारा, और भी बहुत सारे होते हैं, बाकी आप बुक की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं, अभी हम सिर्फ इतने ही लिखेंगे आदि। आफ्टर दैट अब हम क्या लिखेंगे? सर्वनाम के भेद लिखेंगे। ऑल राइट, सर्वनाम, ये सर्कल थोड़ा छोटा हो गया, आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ओके, के भेद, नेक्स्ट पेज पे आप ये लिखेंगे, बड़ा सा बनाएंगे फ्लो चार्ट। ओके, नाउ कंप्लीट योर फ्लो चार्ट लाइक दिस। ओके, अब हम यहां पे लिखेंगे, पहला सर्वनाम कौन सा था?
पुरुषवाचक, पुरुष वाचक। दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, छठा संबंध वाचक, और एक और होता है क्लास, छह होते हैं। एक हमने एरो एक और ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। निजवाचक, सो ये क्या है क्लास, सर्वनाम के भेद हैं। आपको एक पेज पे ये परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखने हैं, और नेक्स्ट पेज पे आपको बड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना के और उसमें आपको सर्वनाम के भेद लिखने हैं। ओके, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे बादल की शेप ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये थोड़ा घिचपिच हो गया है स्पेस की वजह से, आपको बड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। ओके क्लास, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।